खास के इस महफिल में कुछ खास के इस महफिल में कुछ आस लेकर आई हूँ, कुछ खास के इस महफिल में कुछ आस लेकर आई हूँ। अरे जनाब कुछ कुछ आस के तो छोड़ो, कुछ खास ही तो करने आई हूँ। सबके पापा शायद ऐसे ही होते हैं, मतलब देखने में बहुत कठोर होते हैं लेकिन अंदर से वो कितने नरम होते हैं वो सब लोग जानते हैं। नहीं सबके लिए होते हैं। तुम प्यार को जताते क्यों नहीं, तुम प्यार को जताते क्यों नहीं, कुछ परेशानियां हो तो मुझे बताते क्यों नहीं। पहचान चुकी हूँ मैं तुम्हारे चेहरे के हर शिकन को, पहचान चुकी हूँ मैं तुम्हारे चेहरे के हर शिकन को, तुम्हारे माथे की लकीरियाँ और चेहरे की ये झुर्रियाँ बता देती हैं तुम्हारी जिम्मेदारी की हर मजबूरियाँ। तुम परछाई बनकर साथ रहते हो पर तुम कभी हाथ पकड़कर साथ चलाते क्यों नहीं, तुम प्यार को जताते क्यों नहीं, कुछ परेशानियां हो तो मुझे बताते क्यों नहीं। तुम हमारे ख्वाहिशों की लिस्ट को पूरा कर देते हो हर दिवाली पर हमें नए कपड़े ले आते हो, पर न जाने क्यों तुम हर फंक्शन में एक ही पुरानी शर्ट पहनते हो। हाँ मैं नहीं पढ़ सकती सबके चेहरे को पर तुम्हें बहुत करीब से पढ़ा है मैंने। तुम डरते हो, हर एक पिता समाज से डरता है, समाज क्या कहेगा समाज के लिए। तुम डरते हो उस समाज के तानों से उम्र को बड़ा बना दिया है तुम्हारी ये जिम्मेदारियां तुम्हारी मजबूरियां। रूह कांप जाती है उस पिता की जिस घर में है चार चार बेटियां। मैं कहूँ तो मेरे खातिर आसमान से चांद तारे भी तोड़ ले आता। अगर मैं कहूँ तो वो आसमान से चांद तारे भी तोड़ ले आता, वो कोई और नहीं है बल्कि वो है मेरे पापा। उनका प्यार आप लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि अब दिखाते नहीं कभी दर्शाते नहीं है। दुनिया में सबसे अलग है तुम्हारा प्यार। चोट मुझे लगे तो दर्द तुम्हें भी होता है ना। पर तुम हर दर्द में अपना आंसू दिखाते क्यों नहीं, तुम प्यार को जताते क्यों नहीं, कुछ परेशानियां हो तो मुझे बताते क्यों नहीं। थैंक यू। चुप रहूं सब कुछ सहूं मैं तो, भोली हूं मैं सीधी हूं मैं, बोल पड़ी तो असंस्कारी हूं मैं क्योंकि एक लड़की हूं मैं। सिर ढक कर रहो, गांव में औरतें क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा की घूंघट में रहो और मुंह दिखाओ मत और किसी तरफ देखो नहीं, उसके लिए सिर ढक कर रहो नज़र झुका कर चलो। बुरी नज़र से देखे और कोई तो, बदचलन हूँ मैं पराया धन हूँ मैं। लोग बोलते हैं लड़कियाँ पराया धन होती हैं, उस पे है पराया धन हूँ मैं पराए घर से हूँ मैं क्योंकि लड़की हूँ मैं। हर लड़की अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठाती है, एक लाइन उस पे है जिम्मेदारी का बोझ उठाऊँ मैं पढ़ी लिखी हूँ फिर भी गृहिणी बनकर रह जाऊँ मैं क्योंकि लड़की हूँ मैं। सब लोग क्या बोलते हैं, हर टाइम लड़कियों को कोसते भी रहते हैं और मौका आता है तो अपना भाव व्यक्त भी करते हैं, जैसे नवरात्रि या फिर दिवाली पे पूजा पाठ बहुत होता है, फिर लास्ट में उसकी पिटाई भी होती है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा हूँ मैं, दिवाली में माँ लक्ष्मी हूँ मैं, सभी रिश्ते जुड़ते हैं हमसे, बात सच और हक की हो तो सिर्फ एक लड़की हूँ मैं क्योंकि लड़की हूँ मैं। डांट पड़े तो जी भर रो लेती मैं मोम जैसा पिघला दिल मेरा
किसी को चोट पहुंची तो दौड़ पड़ती मैं, सबको हंसाने के चक्कर में खुद हंसना भूल जाती मैं, क्योंकि एक लड़की हूँ मैं। बनारस का जिक्र कैसे मैं नहीं करूँ। बहुत लोग सुनते हैं कि बनारस बहुत अच्छा है, तो वाकई में अच्छा है। बनारस का जिक्र कैसे मैं नहीं करूँ, गंगा किनारे बैठकर बस लंबी सांसें की आहें में भरूँ। बनारस की हर एक गलियों में होती है एक खुशबू, बनारस की हर एक गलियों में होती है एक खुशबू, कभी पान की तो कभी चाय की तो कभी गंगा घाट की आरती मैं करूँ। सच में बनारस का जिक्र कैसे मैं नहीं करूँ। भोले शिव का है ये नगरी, ना कोई छल होता ना कोई कपट, बस शिव है मेरे सहारे, उन्हीं से जाती मैं लिपट। दोनों हाथ जोड़कर बस विनती मैं करूं, सही में बनारस का जिक्र कैसे मैं नहीं करूं।